और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी, तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहां पर। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है तो कौन वायलेंस करना चाहता है, देख लीजिए। अब आप विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर, वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, किसी कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बारिश में और धूप में। अभी किस तरह से बीएसपी कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाकर कह रही है, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, कोई फर्क नहीं है बीएसपी में बीजेपी में, कोई फर्क नहीं है। कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है, तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रही है, रूल ऑफ लॉ है आपका, यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आप के आगे झुक जाएंगे, तो ये झुक गए लोग। सर एक तरफ से सरकार वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रही है, सर क्या सरकार रोक, सरकार जो सरकार खुद मिली हुई है क्या रोक रही है, सरकार खुद मिली हुई है। वो जो टारगेटेड घरों को तोड़ा गया वो क्या है, बीएसपी कह रही है कि आज के दिन क्योंकि शाम सोमवार आखिरी सोमवार है, तो इसलिए की यात्रा की जा रही है। सवाल उसका नहीं है, जब सवाल उसका ये नहीं, सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए, सरकार सरकार डर के झुक गई, और सरकार मिली भी है लोगों से, वो कह रहे शांतिपूर्ण, वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहां पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जाने चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। अभी कांग्रेस के बारे में भी मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था हिंसा, मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे अपने बारे में। सर मुझे तो आप कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए जो मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास, आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए, जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने, नहीं पकड़ा आपने, कितने आरोपियों का नाम आ रहा है, कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा, वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर, नहीं हम तो बोल रहे हैं उम्मत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनमें जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ करने का तरीका है, ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए नए कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। आपकी तरफ से
सर मुजफ्फरनगर वाले मामले में टीचर ने आगे आकर कहा कि वो किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल इसमें नहीं है और टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती है और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अकासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को, उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और ये क्या तमाशा है वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर और बच्चों से गले मिला रहे हैं, और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं, 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान ये सब नफरत, आप टीचर रहकर, और आपको आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है, बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने सारी हरकत की और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे उसका कोई उसका अफसोस नहीं है।